दोस्तों आपको पता ही होगा कि आईफोन को जब आप शटडाउन करना चाहते हैं यानी पावर ऑफ करना चाहते हैं तो उस टाइम पे ये जो पावर बटन होता है यानी वेक पावर बटन, आपको उसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है तो वो पावर ऑफ हो जाता है। लेकिन आज मैं दूसरी और ट्रिक्स भी बताने जा रहा हूँ कि ये पावर बटन के सिवा भी आप अपने आईफोन को कैसे शटडाउन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आप जब भी अपने आईफोन को रिस्टार्ट करना चाहे या तो फिर शट डाउन करना चाहे तो आपको पता ही होगा कि ये जो पावर बटन है आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे आप उसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि स्लाइड टू पावर ऑफ। तो यहाँ पे आप सिंपली स्लाइड करेंगे तो आपका डिवाइस है वो पावर ऑफ हो जाएगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि आप उसे डिफरेंटली कैसे पावर ऑफ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बटन के थ्रू ही आप पावर ऑफ करें। एक ऑप्शन है, आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग्स में से आपको जाना है जनरल में, और जनरल में जब आप स्क्रॉल करेंगे बॉटम में तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन है शट डाउन। तो जैसे आप उसे टैप करेंगे तो भी वही स्क्रीन आ जाएगी स्लाइड टू पावर ऑफ, तो आप यहाँ से भी पावर ऑफ कर सकते। और तीसरा एक ऑप्शन ये भी है कि आप वाया असिस्टिव टच के थ्रू भी उसे शट डाउन या फिर रिस्टार्ट कर सकते हैं। मैंने असिस्टिव टच के लिए एक दूसरा वीडियो भी बनाया, आप उसे देख लीजिए कि आप उसे कैसे ऑन कर सकते हो। सिंपली आपको 3 बार यहाँ पे टैप करना है, और अगर आपने मल्टीपल असिस्टिव टच चूज़ कर रखे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और मुझे यहाँ से असिस्टिव टच को अनेबल करना है। तो अब हम देखते हैं कि असिस्टिव टच के थ्रू आप कैसे अपने डिवाइस को, आईफोन को रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको टैप करना है वो असिस्टिव टच का जो हेल्पिंग आइकॉन है उसे, और बाद में यहाँ पे जाना है डिवाइस में, और यहाँ से मोर ऑप्शन में, मोर ऑप्शन में आप देखेंगे कि अलग अलग शॉर्टकट दिए गए हैं, उसमें एक शॉर्टकट है रिस्टार्ट, आपको उसे टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू रिस्टार्ट योर आईफोन, रिस्टार्ट प्रेस करना है। तो ये डिफरेंट टेक्निक है कि आप अपने डिवाइस को कैसे रिस्टार्ट कर सकते हैं। पहली टेक्निक है वाया दिस बटन, बटन के थ्रू, और बाद में सेटिंग के थ्रू, और तीसरा ऑप्शन है वो है असिस्टिव टच के थ्रू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको अपने आईफोन या तो फिर एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।